कोरोना के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए प्रशासन द्वारा लॉकडाउन शहर में लगाया गया। अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी सभी व्यापार पूरी तरह से बंद है। इस बात को लेकर महल के व्यापारियों ने प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताते हुए अपना रोष व्यक्त किया। आइए देखते हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने प्रशासन को शहर में लॉकडाउन लगाने की आदेश दी है, जिसके चलते शनिवार और रविवार को कड़क लॉकडाउन प्रशासन की ओर से लगाया गया है और बाकी दिन सिर्फ जीवनावश्यक वस्तुएं शुरू रहेगी और बाकी सभी व्यापार बंद करने का आदेश मिलते ही शहर के महल व्यापारियों ने प्रशासन द्वारा लगाए गए लॉकडाउन पर अफसोस जताते हुए अपनी बात कही। अब ये कहना है करके अभी ये लॉकडाउन जो लगाया गया है थोपा गया है, एक्चुअली व्यापारियों के साथ में धोखा किया गया है साहब। एक्चुअली यहाँ के जो पालक मंत्री है उन्होंने भी 5 तारीख को ये नोटिफिकेशन दिया सर, बताया उन्होंने एक विज्ञप्ति में, हमने देखा उनकी एक ऑडियो ये आई थी, तो ये बताया गया कि शुक्रवार शनिवार ही बंद रहेगा, लेकिन सर तत्कालीन जो है वो पूरे तरीके से लॉकडाउन 30 अप्रैल तक लगा दिया गया है सर। खुदरा व्यापारी की पूरी दुकानें बंद है करके, मेरे को समझ में नहीं आ रहा शासन ऐसे कैसे निर्णय ले रहा है। छोटे छोटे ठेले वाले हैं, छोटे छोटे दुकानदार हैं, सिर्फ ऑनलाइन वाले धंधा करेंगे तो हम लोग आखिर कहाँ जाएंगे? ये जूते चप्पल वाले जो ठेले पे बेचते हैं वो उनका रोजी रोटी का ठिकाना नहीं है। सरकार को इस तरफ ध्यान देना चाहिए साहब। मुझे ऐसा लगता है कि शासन की कोई गलती नहीं है इसमें, कुछ मंदबुद्धि लोग इसके अंदर में इनके साथ में हैं जो उनको इस तरीके से बहकावे में ले रहे हैं सर। कुछ समझ में नहीं आ रहा शासन कैसा आ रहा है। प्रशासन ने समझना चाहिए छोटे छोटे व्यापारी उनका क्या होगा करके। जरूर करना को हराना है, बिल्कुल हराना चाहिए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, मैंने मास्क पहना हुआ हूँ, मास्क के लिए लोगों को प्रेरित कीजिए करके। धारा 144 लगा रहे हैं तो कुछ दुकानदारों में ऐसा बताइए कि 10 ग्राहक जो है एक दुकान में रहेंगे या 5 लोग ही एक दुकान में रहेंगे, हम फॉलोअप करने के लिए सब तैयार हैं। समय सीमा लगाइए सर कि समय सीमा ऐसी हो, 4 बजे तक धंधा करें, 5 बजे तक धंधा करें, ऐसा कुछ कीजिए कि खुर्दा व्यापारी जो अपना धंधा कर सके। सर हमारा जो अभी चल रहा है ना, जो कोरोना का पिछले 1.5 साल से चल रहा है, हम ये मानते हैं कि कोरोना का प्रादुर्भाव बढ़ा है, सरकार भी कहीं ना कहीं अपनी जगह मजबूर है, लेकिन हम जो ये लॉकडाउन लगाया जाता है इसमें कम से कम हम व्यापारियों का पक्ष समझा जाए, जब व्यापारियों की बात सुनी जाए उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाना चाहिए। सर आज बैंकों का लोन है, स्टाफ का खर्चा है। आज मुझे एक बात बताइए, बोला जाता है व्यापारी को RT-PCR करा के स्टाफ को और व्यापारी को बैठना है। हम बैंक में जाते हैं, बैंक में जो अधिकारी है उसका RT-PCR किया हुआ है क्या? सर बैंक में मैं कस्टमर हूँ उसका RT-PCR है क्या? कॉरपोरेशन में मैं टैक्स भरने गया हूँ, कॉरपोरेशन के अधिकारी का PCR ये है क्या? RT-PCR टेस्ट है क्या? हो सकता है वो कल संक्रमित हो। हमारे बोलने का मतलब हम समझते हैं सरकार कहीं ना कहीं मजबूर है, लेकिन व्यापारियों की भी मजबूरी समझी जाए सर। व्यापार की पिछले 1.5 साल से कमर टूट चुकी है, कहीं ऐसा ना हो जिस प्रकार किसान आत्महत्या के लिए उतारू होते ऐसा कुछ कदम व्यापारी उठाएं। हम बीच का रास्ता निकालना चाहते हैं, 3 से 4 घंटे 5 घंटे हमें व्यापार करने की मोहलत दी जाए। लॉकडाउन लगने से और व्यापार बंद होने से प्रशासन विरुद्ध व्यापारी ऐसा चित्र दिखाई दे रहा है। भले ही प्रशासन और व्यापारी दोनों ही लॉकडाउन को लेकर आमने सामने आए, लेकिन इसमें सही मायने में नुकसान तो आखिरकार शहर वासियों का हो रहा है। केलीबाग रोड महल से संजय मिरे, बेसियर न्यूज नागपुर।